दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। क्वार्टरली और मंथली के चार्ट में लगाना पड़ेगा, निफ्टी का चार्ट लेना पड़ेगा, तो मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ट है वो क्वार्टरली का चार्ट है, राइट हैंड साइड में मंथली का चार्ट है। तो मंथली का लोअर टाइम फ्रेम हो जाता है, तो इसलिए उसका आरएसआई नीचे है। क्वार्टरली का भी आरएसआई नीचे है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी लोअर टाइम फ्रेम के एमएसडी देखते हैं तो नीचे है, तब लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से कंफर्म है कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो नीचे का सपोर्ट लेवल बन रहा है ये ही 30 का लेवल, तो अप्रॉक्सीमेटली 16,100 है। तो निफ्टी का मेजर सपोर्ट बन रहा है निफ्टी 16,100 के आजू बाजू में। निफ्टी इन करेक्शन मोड है। वीकली का जो चार्ट है निफ्टी का, मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वीकली का चार्ट लगाया है, अभी सॉरी राइट हैंड साइड में मैंने वीकली का चार्ट लगाया है। ये चार्ट देखते हैं तो आर एस आई नीचे है, एम एस डी नीचे है, तो ये हिसाब से ये जो पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 17,200 आ रहा है, तो 17,200 इज ए रेजिस्टेंस लेवल। निफ्टी लुक्स वीक विथ रिस्पेक्ट टू वीकली एंड मंथली चार्ट, तो वीकली और मंथली के चार्ट के हिसाब से वो वीक दिखा रही है, निफ्टी गिरने वाली है। अभी थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, मंथली ये अभी ये क्वार्टरली का चार्ट में RSI तो नीचे है, और अभी ये आज का तारीख है 24 मार्च, और ये नीचे नीचे आके ये जो E6 है, तो क्वार्टरली का जो E6 है अप्रॉक्सीमेटली ये प्राइस बनती है कुछ 16,000 समथिंग 600 वगैरह कुछ कह रही है, उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो कैंडल ऐसे बनेगा, बार ऐसे बनेगा, तो यहाँ से गिर के क्लोज दिया। तो अभी ये हाई और ये लो जो बनेगा उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी रेजिस्टेंस ये वीकली का जो E30 का लेवल है पे ये प्राइस रहेगी। वीकली की E30 भी थोड़ा नीचे आ जाएगी, वीकली का E30 का जो प्राइस रहेगा वो टाइम पे वो उसका रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब उसके हिसाब से वापस मार्केट नीचे आने वाला है। ये 15,000 निफ्टी का लेवल आ सकता है, मतलब कैसे वो कंडीशन कभी बनेगी, तो वो कंडीशन बनेगी अभी तो 16,100 है। इफ निफ्टी क्लोजेस बिलो E6 ऑफ क्वार्टरली और can say below 16,600, then Nifty will face, may have, Nifty may show strong resistance around 17,200. यही रहेगा 17,200 के आजू बाजू का कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। एंड इफ निफ्टी अनेबल टू सस्टेन 17,200 जो लेवल है
या थोड़ा सा ऊपर का 17,300 का लेवल जो कुछ बनेगा, अनेबल टू सस्टेन अबाउ 17,200 और 17,300, जो देन निफ्टी विल बिकम वीक एज पर क्वार्टरली चार्ट, क्वार्टरली चार्ट। एंड ऐसे कंडीशन में निफ्टी जो अभी ये जो हाई बना है, ये जो कैंडल है, अभी बता रहा हूँ, ये जो कैंडल बना है हाई और लो जो बनेगा उसका 50% उसका रेजिस्टेंस रहेगा, और इतना जो नीचे, इतना डिफरेंस वाला जो है उतना नीचे वो मार्केट आ जाएगा, तो वो टाइम पे 15,000 भी निफ्टी आ सकती है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 18,500 से निफ्टी नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, वो 18,500 के लेवल से नीचे आ रही है, और वो टाइम पे 16,500, मतलब ये 2000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसे कंडीशन में वापस 2000 पॉइंट नीचे नहीं जा सकता है मार्केट, ओके। तो 15,000 तक निफ्टी जा सकती है, नीचे जा सकती है, जैसे समझो वो 16,600 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो 16,600 के नीचे 30th मार्च तक, जो लास्ट डे है 31st मार्च या 30th लास्ट डे 31st मार्च, ये टाइम तक 16,600 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो निफ्टी नीचे की तरफ जा सकती है, और वो नीचे का लेवल रहेगा 1000 पॉइंट नीचे, तो पकड़ सकते हैं 15,500 या 15,000 तक नीचे जा सकते हैं। ये आगे की बात है, अभी नहीं, अभी उसकी बात नहीं करें, ओके। ये निफ्टी ऐसे हो सकता, लेकिन वीकली का जो मिड एवरेज है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर बना है, निफ्टी का जो मिड एवरेज का प्राइस है वो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर बना है, वो ये रेंज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तब ये रेंज जो बनेगी ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये रेंज जो बनेगी यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल रहेगा या थोड़ा सा ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल देखता है, या मैक्सिमम 17,600, लेकिन ये अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा ये भी नीचे आ जाएगी, तो 17,400 या 500 के आजू बाजू में रहेगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। तो इसे कंडीशन में ये आगे का बात किया हमने, क्वार्टर में क्लोज होने के बाद की बात की हमने, ये क्वार्टर आगे की बात की, के बाद में अभी स्टॉक्स में सिलेक्ट कैसे करना है, शॉर्ट सेल के लिए सिलेक्ट करना है स्टॉक, मार्केट नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेल के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी एनएससी में मैं ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ, एनएससी एफएनओ का ग्रुप में दे रहा हूँ, ओके। एफएनओ के ग्रुप में क्वार्टरली वीकली में दे रहा हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जहाँ पे नीचे जाने वाला स्टॉक देखना है तो डिफरेंस में नीचे है तो E6 और E30 का शॉर्ट और मिड एवरेज का डिफरेंस कम होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो ऐसे स्टॉक को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो पोलो हॉस्पिटल, ये स्टॉक नीचे जा सकता है। दूसरा है ये अपोलो टायर्स भी नीचे जा सकते, अशोक लेलैंड भी जा सकते हैं, एस्ट्रल भी जा सकता है, मंथली तारे से उसका देखना चाहिए, यस मंथली तारे से भी नीचे रहेगा तो जाएगा, इसमें बेस्ट आता है एस्ट्रल, अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है शॉर्ट एवरेज और मिड एवरेज का वीकली के चार्ट में, स्पेशली वीकली के चार्ट में जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, जब ज़्यादा रहे जिसमें ज़्यादा रहेगा उस स्टॉक को नहीं देना। तो आगे बढ़ते हैं,
देखो ये स्टॉक था, इसमें अतुल में डिफरेंस बहुत है, डिफरेंस ज़्यादा है जो हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा है। डिफरेंस जो है ये डिफरेंस ज़्यादा है, ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए अभी। डिफरेंस कम रहना चाहिए और क्वार्टरली का भी आरएसए नीचे रहना चाहिए, वो स्टॉक ज्यादा गिरेगा। ये भी है बालकृष्ण, मंथली का भी आरएसए नीचे है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाटा एक डिफरेंस ज्यादा करके है तो ये बाइंग में जा सकता है। बाटा टाइप क्वार्टरली बिल के हिसाब से मंथली में वीकली में ओवर सोल्ड जोन में ट्रेड कराए, ये बाटा ऊपर की तरफ जा सकता है। आगे देखते हैं तो शॉर्ट सेल में जाते हैं तो डिफरेंस कम होना चाहिए। अभी देखो ये भी स्टॉक है भेज, ये भी नीचे जा सकता है। बॉश बाइंग में है, बाटा बाइंग में है, तो ये भी है। कैनरा बैंक भी अभी बाइंग नहीं करना चाहिए, वीकली में वीक दिखा रहा है उसको, सबको बाइंग नहीं करना चाहिए। जैसे अभी जो कंडीशन ये सिप्ला के बारे में बनी है ना, वैसे कंडीशन निफ्टी के बारे में बनेगी तभी निफ्टी बाइंग में आ जाएगा। सिप्ला बाटा में जैसी कंडीशन बनी है वैसी कंडीशन जब वीकली चार्ट में निफ्टी में बनेगी तभी निफ्टी बाइंग में आ सकता है। अभी मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। क्वार्टरली में वीक है और वीकली में अभी अभी शॉर्ट टर्म एवरेज में डिफरेंस हो मतलब कटिंग हो रहा है, एक साइड भी है। देखो ये भी अच्छा है एक साइड इंडस्ट्री का। अभी करंट सिनारियो गोदरेज सिटी बाइंग में है, गोदरेज सिटी जो है वो बाइंग का स्टॉक है, वॉश बाइंग का है, पट्टा में भी बाइंग आ जाएगा, कितना भी एक ओवर सोल्ड जोन में भी बाइंग में आ सकता है। एचडीएफसी फर्स्ट भी नीचे जा सकता है, अभी इसके बाद हम देखेंगे। अभी अब डिस्कशन कुछ करना रहेगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है ये समझ में आ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे, हाँ बैंक निफ्टी भी देखते हैं। बैंक इसमें भी मंथली का रेट से नीचे है, क्वार्टरली वीक नहीं बना है, बैंक निफ्टी क्वार्टरली वीक नहीं बना है, वीक नहीं बना निफ्टी का कैसे आरएसए नीचे है ना, बैंक निफ्टी का उतना नहीं है, लेकिन एक थोड़ा करेक्शन तो जरूर देगा ईयरली के चार्ट के हिसाब से, शॉर्ट एवरेज है वहां तक आ जाएगा। लेकिन हिस्ट्री में सेल है तो सेम चलेगा, ऐसे ऐसे कंडीशन में रहेगा। देखो ये ओवर बॉट
कुछ है, कुछ डिस्कस करना है।